हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं वॉल टेक्सचर। आज मैं आपको शीशल बना के दिखाने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसे डेनिम ब्रश कहते हैं। अब देखिए, ये डेनिम ब्रश है और स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड वाले इस तरह से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड वाले इस तरह से। और आज मैं आपको शीशल बनाने का थोड़ा इजी तरीका बताऊंगा, जिससे कि जिन लोगों से नहीं बनता उनसे भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर वन, पहले हमें हल्का हल्का ऐसे निशान लगाना है। ऐसे ऐसे निशान लगा लिए, ऐसे करके इस तरीके से निशान लगा लिए यहाँ पे। ऐसे ऐसे आपको वीडियो में निशान नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। फिर बहुत इजी स्टेप है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये पूरी वॉल पे बनने का बहुत सुंदर नज़र आता है, बहुत सुंदर विजुअल होता है। जैसे पहली लाइन चली, दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा सा उल्टा चला लेंगे ऐसे। फिर से वैसे चलेंगे ऐसे करके, मैं आपको बिना निशान के बना के दिखाता हूँ बिना निशान के कैसे बनाते हैं। आप मेरा टूल पकड़ने का तरीका भी देखिए, मैं टूल कैसे पकड़ रहा हूँ। टूल को इस तरीके से पकड़ा जाता है, फिर इसका बैलेंस बना रहता है टूल का। लास्ट पॉइंट पे हम इसको थोड़ा सा उल्टा भी चला सकते हैं ऐसे ऐसे करके लास्ट लाइन में। सो शीशल बनाने का तरीका आपको ये कैसा लगा, एक बार मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ वीडियो को। दोस्तों, मैंने आपको शीशल डिज़ाइन बना के दिखाया। दोस्तों, मेरा मेन मोटिव यह है कि मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊं और इजी स्टेप बना के दिखाऊं, जिससे कि आप भी इसको इजीली बना सकें, वॉल पे अप्लाई कर सकें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा और आपको वीडियो में कुछ अलग से बताऊंगा। सो
मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, मेरा शीशल बनाने का तरीका अच्छा लगा हो आपको, मेरा एक मेरी तरफ से कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक एक स्टेप इजी तरीके से बताऊं आपको, मेरी काम करने का तरीका, मेरा शीशल बनाने का तरीका, मेरा डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस डिज़ाइन को बनाने में। आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।